हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में एम्बेडेड ऑफ ए रिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर समझिए, एक वेन डायग्राम से हम लोग एक रिंग ले रहे हैं और ये रिंग जो है वो आर है। एक दूसरा रिंग ले रहे हैं, इस रिंग को हम लोग मान रहे हैं आर डैश। अब इस रिंग आर डैश का एक सब रिंग हम लोग ढूंढते हैं। सपोज करते हैं ये जो सब रिंग है वो एस डैश है। अब इस आर रिंग से एस डैश सब रिंग में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं और ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए, इसका मतलब एफ आर से एस डैश में डिफाइन कर रहे हैं मैपिंग। आइसोमॉर्फिज्म होगा तो ये तीन चीज़ होगा, एफ वन वन होगा, फिर एफ ऑन टू बी होगा और फिर एफ होमोमॉर्फिज्म भी होगा। एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी होगा। होमोमॉर्फिज्म के लिए याद कीजिए, दो कंडीशन है कि एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और दूसरा कंडीशन है एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन चीज़ हो, वन वन हो, ऑन टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, तो इस एफ को कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म। तो एक मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड होना चाहिए जो आइसोमॉर्फिज्म होगा। आर से एस डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड होना चाहिए। अगर आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो जाए तो हम लोग कहते हैं रिंग आर इज एम्बेडेड इन रिंग आर डैश। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखे हम लोग, ये रिंग आर इज सेड टू बी एम्बेडेड और एम्बेडेड इन ए रिंग आर डैश If there is a subring S dash of R dash such that R is isomorphic to S dash। क्या है डेफिनेशन कि एक रिंग ले रहे हैं, इस रिंग को कहेंगे एम्बेडेड या इम्बेडेड, ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी। तो एम्बेडेड या इम्बेडेड कहेंगे इन रिंग R dash। कब कहेंगे R रिंग जो है वो एम्बेडेड है R dash के साथ। If there is a subring S dash of R dash, अगर R dash का एक subring मिल जाए और ऐसा मिलना चाहिए कि R is isomorphic to S dash, R is isomorphic to S dash का मतलब एक isomorphism मिलना चाहिए, एक mapping मिलना चाहिए जो तीन condition को satisfy करे, तब isomorphism हो जाएगा R से किस में, S dash में। तो यहाँ पर बड़ा simple है, कुछ विशेष है नहीं। आप ध्यान से समझिए कि रिंग R को रिंग R dash में embedded कहेंगे जब यहाँ पर एक सबरिंग मिल जाए और ये सबरिंग जो है R इस सबरिंग के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाए। तो आइसोमॉर्फिक हो जाए मतलब आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो जाना चाहिए। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी है, मैं एग्जांपल भी बताऊंगा। आप दूसरा सेकेंड डेफिनेशन जो है उसको समझ लीजिए, सेकेंड डेफिनेशन जो है वो और आसान लगेगा। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर रहे थे, एक सबरिंग ले रहे थे और उस सबरिंग में एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड कर रहे थे। अब सबरिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेडेड के लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक रिंग यहाँ पर लेते हैं R और इस रिंग को R डैश रिंग के साथ कहेंगे कि ये एम्बेडेड है, R इज एम्बेडेड इन R डैश। कब कहेंगे, जब दोनों के बीच में एक मैपिंग डिफाइंड हो जाए और ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। फाई क्या होना चाहिए, R से R डैश में एक वन वन भी होना चाहिए, ये वन वन मैपिंग और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। बस इतना अगर कह देते हैं तो R जो है वो R इज एम्बेडेड इन R डैश हो जाएगा। तो इसके लिए ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं बताऊंगा कि ये डिफिनेशन दोनों सेम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको। क्या है समझिए, R इज एम्बेडेड इन R डैश कब कहेंगे, जब R से R डैश में एक मैपिंग डिफाइंड हो जाए और वो मैपिंग जो है वो वन वन होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे कि सिर्फ एक रिंग है और दूसरा रिंग, दोनों के बीच में एक मैपिंग मिल जाना चाहिए जो वन वन भी हो और होमोमॉर्फिज्म हो, तब हम लोग कहेंगे R इज एम्बेडेड इन R डैश। सिर्फ इतना काम करना है। अब ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन क्या दोनों में अंतर है या दोनों सेम है, जरा समझिए। देखिए यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म है और वन वन है, इसमें भी जो मैपिंग डिफाइंड कर रहे थे यहाँ पर भी होमोमॉर्फिज्म था और वन वन था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ था ऑन टू। तो जब ऑन टू था तो यहाँ R से R डैश में मैपिंग नहीं डिफाइंड कर रहे थे, किस में कर रहे थे, R से S डैश में कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग R से R डैश में कर रहे हैं, लेकिन जब R से R डैश में कर रहे हैं तो ऑन टू नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर एम्बेडेड कहेंगे।
तब कहेंगे जब R से S डैश में, ये S डैश जो है उसका सबरिंग था, तो R से S डैश में एक आइसोमॉर्फिन डिफाइंड हो जाए, और यहाँ पर एम्बेडेड कहेंगे जब R से R डैश में सिर्फ क्या हो, 1-1 होमोमॉर्फिन डिफाइंड हो। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, इसमें सबरिंग में हम लोग डिफाइंड कर रहे थे मैपिंग, और यहाँ खुद R डैश में कर रहे हैं, लेकिन इसमें जब सबरिंग में डिफाइंड कर रहे थे तो ऑन टू ले रहे थे, और यहाँ पर हम लोग ऑन टू नहीं ले रहे हैं। 1-1 होमोमॉर्फिन तो यहाँ पर भी ले रहे हैं, लेकिन ऑन टू जो यहाँ पर ले रहे थे ऑन टू नहीं ले रहे हैं। अब जरा समझिए ये और ये सेम कैसे है डेफिनेशन। अब यहाँ पर ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि A1, A2, A3, A4, A5 मान लेते हैं 5 एलिमेंट्स हैं, और भी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन अभी समझने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि 5 एलिमेंट्स हैं। और ये मैपिंग जो है वो ऑन टू कहीं नहीं लिखा हुआ, ऑन टू नहीं लिखा हुआ मतलब 5 एलिमेंट या 5 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसका इमेज है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग मान लें। चूँकि 1-1 है तो मान लेते हैं कि A1 का इमेज B1 है, A2 का B2 है, A3 का B3 है, A4 का B4 है, A5 का B5 है, ये तो 1-1 है। अब जरा समझिए सिर्फ इमेज से जो सेट ले रहे हैं इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इस सेट को FR कहेंगे, F of R। ये जो R मैप रिंग है उसका जो इमेज हम लोग ले रहे हैं इसको F ऑफ R से डिनोट करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि अगर F नहीं यहाँ पर चूंकि phi है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, phi ऑफ R कर देते हैं। अब जरा समझिए पहले से हम लोग जानते हैं कि अगर phi होमोमॉर्फिन है तो ये होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है, और होमोमॉर्फिक इमेज सबरिंग होता है, किसका सबरिंग होता है, R डैश का। होमोमॉर्फिक इमेज जो होता है वो सबरिंग होता है किसका, इस R डैश का। तो phi R जो है वो सबरिंग हो गया, और सबरिंग किसका हो गया, सबरिंग ऑफ R डैश का सबरिंग हो गया। तो अब देखिए ये जो phi होमोमॉर्फिज्म R से R डैश में डिफाइंड किए, क्या ये phi होमोमॉर्फिज्म इससे इसमें भी डिफाइंड हो जाएगा, मतलब किस में, phi जो डिफाइंड कर रहे हैं वो R से अब सबरिंग के जगह phi R कर देते हैं, phi R में इससे इसमें डिफाइंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैपिंग डिफाइंड हो रहा है, और ये मैपिंग जो है वो 1-1 है, आप देख रहे हैं 1-1 है, R से phi R में जब डिफाइंड हो रहा है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1-1 है, और साथ में ऑन टू भी है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इसका नहीं बच रहा है जो इसका इमेज नहीं है, प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है ही, क्योंकि ये phi R है, इसी का इमेज से बनाए हैं, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज होगा ही, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इमेज है, मतलब ऑन टू भी हो गया, तो 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही क्योंकि R से R डैश में होमोमॉर्फिज्म है, इसी का ये सबसेट है, तो इससे इसमें भी होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है वो यहाँ पर भी सेटिस्फाई होगा, तो होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। तो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग एक सबरिंग ढूंढ लिए R डैश का, एक सबरिंग phi R ढूंढ लिए, और वो सबरिंग जो है उस सबरिंग में R से एक आइसोमॉर्फिन भी डिफाइंड हो गया, जो phi है वो आइसोमॉर्फिन हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही 1-1 और होमोमॉर्फिन था ही, और ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि इसी का इमेज है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होगा, तो होमोमॉर्फिन भी ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है, और होमोमॉर्फिन भी है, तो एक आइसोमॉर्फिन हो गया ये। तो यहाँ जो सबरिंग S डैश लेते थे उस S डैश के बदले यहाँ पर सबरिंग क्या हो जाएगा, phi R। तो आप दोनों तरीके से डेफिनेशन याद रखिएगा एम्बेडेड के लिए, कि अगर रिंग R जो है वो R डैश के साथ एम्बेडेड कब होगा, जब R जो है वो R डैश में एम्बेडेड कब होगा, जब यहाँ पर R से इसके सबरिंग में एक आइसोमॉर्फिन डिफाइंड हो जाए, या फिर R जो है वो R डैश में एम्बेडेड कब होगा, जब R से R डैश में एक 1-1 होमोमॉर्फिन डिफाइंड हो जाए, सिर्फ 1-1 होमोमॉर्फिन R से R डैश में अगर डिफाइंड हो जाता है तब कहेंगे R जो है वो R डैश में एम्बेडेड है। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर सेकेंड डेफिनेशन, कि ये रिंग R इज सेट टू बी एम्बेडेड और एम्बेडेड इन ए रिंग R डैश इफ देयर इज ए 1-1 होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इन टू R डैश। R रिंग एम्बेडेड होगा R डैश में अगर दोनों के बीच में क्या डिफाइंड होना चाहिए, एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होना चाहिए। अगर phi 1-1 होमोमॉर्फिज्म, इफ phi इज 1-1 होमोमॉर्फिज्म ऑफ R इनटू R डैश, देन phi इज कॉल्ड एम्बेडिंग और
एम्बेडिंग मैपिंग, फाई को हम लोग कहते हैं एम्बेडिंग या फिर एम्बेडिंग मैपिंग कहते हैं, और द रिंग आर डस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ द रिंग आर, और आर डस को एक्सटेंशन ऑफ द रिंग आर कहेंगे। आर से ज़्यादा एलिमेंट है यहाँ पर, तो आर डस जो है वो एक एक्सटेंशन कहलाता है, एक्सटेंशन ऑफ आर कहलाता है ये। आर जो है वो सॉरी आर डस जो है वो आर का एक्सटेंशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब वहाँ पर एम्बेडेड हो रहा है, आर अगर इसमें एम्बेड कर रहा है तब इस आर डस को हम लोग कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ आर। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि वी डिफाइन ए मैपिंग फाई फ्रॉम रिंग ऑफ इंटीजर्स इनटू ए रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पर रिंग ऑफ इंटीजर्स से रिंग ऑफ रेशनल नंबर में एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? फाई ऑफ ए इक्वल टू ए बाई वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। क्या कर रहे हैं जरा देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिंग यहाँ पर ले रहे हैं, वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स भी रिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। और फिर सेट ऑफ रेशनल नंबर भी एक रिंग होता है, यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर ले रहे हैं क्यू। तो ये जो है वो भी यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग होता है। तो आर के बदले यहाँ पर ये ले रहे हैं जेड, और आर डस के जगह हम लोग ले रहे हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब इसके बीच में एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फाई। कैसे डिफाइन करते हैं? कि ए का इमेज ए बाई वन होगा। यहाँ पर देखिए फाई ऑफ ए इक्वल टू ए बाई वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। यहाँ तो ए इंटीजर लेना है, तो ए बाई वन जो है वो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ये ऊपर में इंटीजर है, ए जब यहाँ पर मेंबर है जेड का तो इंटीजर हो गया। तो ये इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और उसमें वन से डिवाइड करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। तो ए का इमेज ए बाई वन होगा। अगर ये मैपिंग वन वन हो जाए ऑन टू सॉरी होमोमॉर्फिज्म हो जाए, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, तब हम लोग कहेंगे कि जेड इज एम्बेडेड इन क्यू। ये जो आर रिंग है वो आर डैश में एम्बेडेड हो जाएगा। देखिए एम्बेडिंग चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए दो तरीका है। अगर कोई भी एक रिंग जो है वो दूसरे रिंग में एम्बेडेड है या नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरीका होता है। तो दो तरीका में से एक तरीका ये है कि अगर यहाँ रिंग आर है और यहाँ रिंग आर डैश है, तो इसका एक सब रिंग ढूंढेंगे एस डैश, और आर से एस डैश में एक आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि एक सब रिंग मिल जाता है और आर से एस डैश में आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, तो हम लोग आर को कहेंगे एम्बेडेड इन आर डैश। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, वो ज़्यादा आसान होगा, कि हम लोग क्या करते हैं, रिंग आर और आर डस है, अगर पता करना है कि ये एम्बेडेड है या नहीं आर रिंग इसमें, तब इसके लिए एक सिर्फ दोनों के बीच में एक मैपिंग ढूंढेंगे। यहाँ पर सब रिंग ढूंढने रहे थे, यहाँ पर सब रिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे कि एक मैपिंग ढूंढेंगे। एक मैपिंग ऐसा मिलना चाहिए जो वन वन हो और होमोमॉर्फिज्म हो। अगर ये दोनों चीज़ हो जाता है तो कहेंगे आर इज एम्बेडेड इन आर डस। तो सिर्फ दो ही काम करना है, एक मैपिंग ढूंढना है और वो मैपिंग क्या होना चाहिए, वन वन होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर कोई भी मैपिंग इस तरीके से एडजस्ट कर जाता है तो आर इज एम्बेडेड इन आर डस। तो हम लोग वही काम करना चाह रहे हैं, एक मैपिंग ढूंढ रहे हैं, और मैपिंग किस तरीके से डिफाइंड कर रहे हैं, देख लिया ए का इमेज ए बाई वन है। अब ये जो मैपिंग हम लोग इस तरीके से डिफाइंड किया, अब ये चेक करते हैं कि वन वन हो और होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। अगर वन वन और होमोमॉर्फिज्म होगा, दोनों होगा, तो निश्चित रूप से ये जो रिंग है वो एम्बेडेड हो जाएगा आर्डस में। तो चलिए अब देखते हैं, चेक करते हैं फाई इज वन वन। सबसे पहले फाई को देखते हैं कि वन वन है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लेट ए बी belongs to Z, set of integers का कोई भी हम लोग दो मेंबर मान लेते हैं, सच दैट, ऐसा मानते हैं कि phi of A equal to phi of B, ये मान लिए। तो since phi of A equal to phi of B मान रहे हैं यहाँ पर, implies phi of A का वैल्यू, एक phi of A का इमेज क्या है, A by 1 है, तो phi of A का वैल्यू हो जाएगा A by 1, और phi of b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b by 1। ये तो रेशनल नंबर है, a by 1 को हम लोग सिंपली a लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे तो 1 है, ये रेशनल नंबर है, यूनिटी है। और phi of b को सॉरी b by 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b ऊपर इंटीजर है और नीचे क्या है, 1 है, यहाँ पर जो 1 इंटीजर होता है वही है, तो ये पूरा रेशनल नंबर आ गया। तो a by 1 जो है वो a और b by 1 इक्वल टू b। तो देखिए phi of a इक्वल टू phi of b मान करके हम लोग दिखा दिए a इक्वल टू b, तो therefore phi is 1 1। तो एक काम तो हो गया,
जो हम लोग मैपिंग डिफाइंड किए हैं इस तरीके से, वो मैपिंग 1-1 हम लोग दिखा दिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। होमोमॉर्फिज्म के लिए दो कंडीशन है, तो वो दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अब फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं उसको चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स का कोई भी हम लोग दो सेट ऑफ इंटीजर्स का कोई भी दो मेंबर मान लेते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ना फाई ऑफ ए प्लस बी, ये निकालते हैं। तो फाई ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 होगा। क्या डिफिनेशन है जरा देखिए यहाँ पर, कि ए का फाई इमेज क्या होता है, ए डिवाइडेड बाय 1 होता है। ए में 1 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ जो एलिमेंट है उसमें 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट है ए प्लस बी, उसमें फाई लग रहा है, तो उसका इमेज क्या होगा, ए प्लस बी में 1 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी डिवाइडेड बाय 1। अब ए बाय 1 को हम लोग सिर्फ फाई ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि फाई ऑफ ए का वैल्यू ए बाय 1 है। बी बाय 1 को हम लोग फाई ऑफ बी लिख सकते हैं, क्योंकि फाई ऑफ बी का वैल्यू बी बाय 1 है। तो फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी आ गया। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया एडिशन वाला। अब हम लोग फिर मल्टीप्लीकेशन वाला देखते हैं कि फाई ऑफ ए इंटू बी कितना आता है। तो फाई ऑफ ए इंटू बी अगर है देखा जाए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि डेफिनेशन यही है, जो यहाँ पर एलिमेंट होता है उसमें 1 से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पर इसको फिर ऐसा लिख सकते हैं ए बाय 1 इंटू बी बाय 1। तो ए बाय 1 को हम लोग लिख सकते हैं फाई ऑफ ए, ए फाई ऑफ ए का वैल्यू ए बाय 1, और बी बाय 1 को लिख सकते हैं फाई ऑफ बी, क्योंकि फाई ऑफ बी का वैल्यू बी बाई 1। तो ये होमोमॉर्फिज्म का जो दो कंडीशन है, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी, और फाई ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो देयर फोर फाई इज होमोमॉर्फिज्म। तो दोनों चीज आ गया, 1-1 भी आ गया और होमोमॉर्फिज्म भी आ गया। तो हम लोग क्या किए, ये एक रिंग था, ये दूसरा रिंग था आर डैश। अब इस रिंग से इस रिंग में एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड कर लिया, और ये होमोमॉर्फिज्म 1-1 है, तो हम लोग कहेंगे कि R जो रिंग है वो एम्बेड हो रहा है R डैश में। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द रिंग Z जो इंटीजर्स का जो रिंग है, या द रिंग ऑफ इंटीजर्स, द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z एम्बेडेड इन रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। रिंग ऑफ रेशनल नंबर क्या है, Q। तो द रिंग ऑफ इंटीजर्स Z एम्बेडेड इन रिंग ऑफ रेशनल नंबर्स Q। अब जरा समझिए, देखिए कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक से अधिक होमोमॉर्फिज्म मिले। अब एक चीज और जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग इस तरीके से जो डिफाइंड किए फाई ऑफ ए इक्वल टू ए बाई 1, अगर फाई ऑफ ए इक्वल टू ए बाई 2 डिफाइंड करें तो ये क्या होमोमॉर्फिज्म होगा। जरा देखिए फाई ऑफ ए इंटू बी को कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, और ये अगर ए बाई 2 लिखते हैं इंटू बी, तो ए बाई 2 को तो फाई ऑफ ए लिख सकते हैं, लेकिन बी सिर्फ लिखा हुआ है, इसको फाई ऑफ बी लिख सकते हैं क्या। फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी आप अगर निकालना चाहें, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी, तो फाई ऑफ ए का वैल्यू आ रहा है ए बाई 2, फाई ऑफ बी का वैल्यू आ रहा है बी बाई 2, तो यहाँ आ रहा है ए बी बाई 4 आ रहा है, और यहाँ पर फाई ऑफ ए इंटू बराबर ए इंटू बी इक्वल टू ए बी बाई 2 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। अगर ए बाई 2 लिखेंगे तो होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा, ए बाई 1 लिख रहे हैं तब होमोमॉर्फिज्म आ रहा है, लेकिन ए बाई 2 लिखने से ये होमोमॉर्फिज्म नहीं आ रहा है। तो कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म मिलना चाहिए, एक से अधिक होमोमॉर्फिज्म की जरूरत नहीं है। एक रिंग लेते हैं और एक दूसरा रिंग आर डैश है, तो ये रिंग इस रिंग पर इम्बेड करेगा। कब करेगा, जब इस रिंग से इस रिंग में एक 1-1 और होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो जाए, कोई भी 1-1 और होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड हो जाता है, तो फर्स्ट रिंग को कहेंगे इम्बेड कर रहा है किस पर, आर डैश पर कर रहा है, और ये जो सेकेंड आर डैश यहाँ पर मिल रहा है इसको कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ रिंग आर, आर का ये एक्सटेंशन कहलाता है। तो ये सिर्फ मैं डिफिनेशन बताया हूँ इस वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड थ्योरम है कुछ लंबा थ्योरम है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।